हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम मोनिका है और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि शॉर्ट हाइट वुमेन्स कैसे अपने ब्राइडल लहंगा को सेलेक्ट करें जिससे वो लंबे होने का इल्यूजन क्रिएट कर पाए और साथ ही ऐसी गलतियों को करने से बचे जिससे उनकी हाइट और शॉर्ट लग सकती है। तो चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहला और बहुत ही इजी ट्रिक जो आप लोगों ने ज़रूर सुनी होगी वो है मोनोटोन लहंगा। हो सके तो हेड टू टो एक सिंगल कलर लहंगे के साथ ही जाए बिकॉज वो आपको लंबा दिखाता है। जैसे मैं यहाँ एक एग्जांपल देती हूँ, अगर आप अपने मैचिंग ब्लाउज और लहंगे के साथ एक कंट्रास्टिंग दुपट्टा लेते हैं तो आप अपने बॉडी फ्रेम को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं जिसकी वजह से आपकी हाइट और दब जाती है और आप शॉर्ट लगते हो। वहीं जब आप सिंगल कलर के लहंगे और दुपट्टे के साथ जाते हैं तो आप सामने वाले को मजबूर कर देते हो कि वो आपको वर्टिकली यानी कि ऊपर से नीचे तक देखे जिसकी वजह से यहाँ एक भ्रम क्रिएट होता है यानी कि इल्यूजन और उसे आप लंबे लगते हैं। इसे हम साइंटिफिकली कोहेरेंट विजुअल इमेज भी कहते हैं। सेकेंड टिप है लहंगा एम्ब्रॉयडरी। हो सके तो बड़े बड़े एम्ब्रॉयडरी मोटिव्स को बिल्कुल अवॉइड करें क्योंकि एक तो ये सडन अटेंशन अपनी तरफ खींचते हैं और दूसरा आपको ये ब्रॉड दिखाते हैं यानी कि हॉरिजॉन्टली चौड़ा दिखाते हैं जिसकी वजह से अल्टीमेटली आपकी हाइट शॉर्ट लगती है। वहीं जब आप लोग डिटेल एम्ब्रॉयडरी मोटिव्स के साथ जाते हैं तो वो आपको ऐसे ब्रॉड नहीं दिखाती जिसकी वजह से आप अल्टीमेटली लंबे और स्लिम लगते हैं। थर्ड टिप है लहंगा बॉर्डर। हमेशा एक चीज याद रखें, आप जितने ब्रॉड बॉर्डर्स पहनेंगे आपकी हाइट उतनी शॉर्ट लगेगी क्योंकि यहाँ पर ये बड़े बड़े बॉर्डर्स भी आपकी बॉडी फ्रेम को डिवाइड कर देते हैं जिससे आप अल्टीमेटली शॉर्ट लगते हो। इसलिए हमेशा पतले बॉर्डर्स या फिर बगैर बॉर्डर के लहंगे के साथ ही जाएं। फोर्थ और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप है दुपट्टा ड्रेप। हो सके तो अपने दुपट्टे को साड़ी पल्लू की तरह एक साइड में प्लीट करके ही ले बिकॉज इससे आप यहाँ एक स्लाइटली वर्टिकल लाइन क्रिएट करते हैं और आपकी हाइट लंबी लगती है। वहीं अगर आप अपने दुपट्टे को शॉल स्टाइल में लेंगे तो आप फिर से अपने बॉडी फ्रेम को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे जिससे आपकी हाइट अल्टीमेटली शॉर्ट लगेगी। फिफ्थ एंड लास्ट में आपको कुछ क्विक टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी जिनका आपको खास ध्यान देना है। सबसे पहला है अपने ब्लाउज और लहंगे के बीच एटलीस्ट 3 या 4 इंच का गैप रखें या फिर अपने लहंगे को लो वेस्ट पहने ताकि आपकी मिडरिफ लंबी लग सके। दूसरा, आप लोगों को ब्रॉड वेस्ट बेल्ट्स को बिल्कुल अवॉइड करना है क्योंकि वो आपके लोअर बॉडी को ऐसे शॉर्ट दिखाएंगे, उसके बजाय 1 या 2 इंच के बेल्ट के साथ जाएं। थर्ड टिप और लास्ट है कि आप लोगों को हाई नेक गलों को बिल्कुल अवॉइड करना है। माना कि वो ट्रेंड में है बट वो आपके नेक एरिया को शॉर्ट दिखाएंगे, उसके बजाय किसी भी डीप या ब्रॉड नेक गले के साथ जाए। बाकी आप लोग यू या वी नेक लाइन ट्राई कर सकते हैं, ये आप पर बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही अगर आपकी कोई फ्रेंड ब्राइड बनने वाली है तो उसे ये वीडियो जरूर शेयर करें। ऐसे ही वीडियोस के साथ मैं हर ट्यूजडे और सैटरडे आती रहूंगी। तब तक के लिए टेक केयर गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी एंड बाय।